हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा जब भी हम सूजी का हलवा बनाते तो कभी पानी ज़्यादा डल जाता है चीनी कम डल जाती है या ज़्यादा डल जाती है तो इस तरह से हमारा हलवा जो है टेस्टी नहीं बन पाता तो हम क्या करेंगे आज पूरा अच्छी तरह से मेजरमेंट देखेंगे जिस मेजरमेंट से मैं आपको बताऊँगी आप उसी मेजरमेंट से एक बार बना के देखेगा आपका हलवा बिल्कुल टेस्टी बनेगा इसको बिगनर्स भी बना पाएंगे और इसको बैचलर्स भी बना पाएंगे तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप एक कटोरी कोई भी कटोरी हो घर में या कप हो उसी से सारा मेज़रमेंट करें देखिए मैंने जैसे यहाँ पर एक कटोरी से थोड़ी सी कम ली है सूजी और उतनी ही मैंने घी लिया है और एक कटोरी भर के मैंने चीनी ली है और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं किशमिश काजू बादाम ये इलायची पाउडर लिया है मैंने एक चौथाई चम्मच थोड़ी सी मैंने पिस्ता ले लिया गार्निशिंग के लिए और मैंने गर्म दूध में केसर को पहले से ही भिगो दिया है तो मैंने ये केसर वाला दूध ले लिया ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप चाहें डाल सकते हैं नहीं तो आप इलायची पाउडर से भी काम चला सकते हैं इसके बाद हम लेंगे एक भारी तले की कढ़ाई और गैस को करेंगे ऑन लो टू मीडियम फ्लेम पर और इसमें डालेंगे घी देसी घी लिया है मैंने आप चाहे तो वनस्पति में भी बना सकते हैं लेकिन देसी घी में हलवा जो है टेस्टी ज़्यादा बनता है तो हम डाल देंगे इसमें अपना देसी घी घी को गर्म होने देंगे चेक कर लेते हैं एक बार इस तरह से चेक कर लेंगे काजू और बादाम को दो से तीन मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लेंगे ज़्यादा हमने रोस्ट नहीं करना अदरवाइज़ इसमें कड़वापन सा आ जाएगा थोड़ा सा आप चाहे तो भून सकते हैं भूनने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है अगर आप वैसे भी डालना चाहते हैं कच्चे डालना चाहते हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी भूनने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है तो दो से तीन मिनट के लिए हम इनको रोस्ट कर लेंगे देखिए काजू और बादाम जो है रोस्ट हो चुके हैं इनको हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे अब हम सूजी को रोस्ट करेंगे सूजी डाल देंगे इसमें और इसको रेगुलर चलाते रहेंगे ये सभी काम हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करने हैं इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप इसको हाई फ्लेम पर भून देंगे ना भून तो जाएगा जल्दी लेकिन ये इसका टेस्ट जो है वो तो अच्छा नहीं आएगा तो इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आप इसको सूजी को जो हमने भूनना है ये देखिए सूजी का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग गया है थोड़ा सा और इसको भूनेंगे थोड़ा गोल्डन सा हो जाएगा और ये सूजी जो है घी को अच्छे से छोड़ देगी तब तक हम इसको भूनते रहेंगे ये देखिए सूजी हमारी जो है भुन गई है अच्छी तरह से और सूजी ने घी को भी छोड़ दिया है अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें पानी ये देखिए जो हमने कटोरी ली थी उसी कटोरी से हम इसको नापेंगे पानी को और मैं गर्म पानी ले रही हूं यहाँ पर ठंडा पानी नहीं लेना गर्म पानी लेना है एक कटोरी मैंने एक कटोरी से कम सूजी ली थी तो उसका तीन गुना एक कटोरी दो कटोरी हो गई और ये तीन कटोरी पानी डाल दिया है इसी तरह से आपको पानी डालना है इसमें पानी डालने के बाद इसको 30 से 40 से सेकंड के लिए रेगुलर चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्ब ना बने और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी चीनी हम आधी आधी करके डालेंगे आधी चीनी हम अभी डालेंगे और आधी चीनी हम बाद में डालेंगे ये देखिए मैं चीनी डाल रही हूँ आधी चीनी मैंने डाल दी है इसको भी अच्छी तरह से घुलने देंगे इसके बाद हम इसको पाँच से सात मिनट के लिए ढक करके पका लेंगे फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मुझे आपके लिए क्या बनाना है और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रही है या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली अच्छी अच्छी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके तो पाँच से सात मिनट हो चुके हैं चलिए चेक कर लेते हैं एक बार वाह देखिए हमारा हलवा अब हमने क्या करना है इसमें अपने जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो डाल देंगे थोड़ा सा मैंने उनको क्रश कर लिया है एक ग्लास में डालकर बेलन से उसको मैंने कूट लिया है अगर आप पास आपके पास खलबट्टा है तो आप उससे भी इसको क्रश कर सकते हैं और आप साबुत डालना चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं इसके बाद थोड़ी सी मैंने किशमिश डाल दी है इसमें और थोड़ा सा मैंने इसमें केसर का दूध डाल दिया है सभी चीज़ों को कर देंगे मिक्स इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर इलायची पाउडर डालने के बाद जो हमने चीनी बचाई थी वो हम इस टाइम डालेंगे इससे क्या होगा कि जो हमारा हलवा है दानेदार बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा थोड़ा सा हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पर नारियल को जो सूखा वाला नारियल होता है उसको काट कर भी डाल सकते हैं कोई कोई होता है ग्रेट करके डालता है या काट कर डालता है या रेडीमेड लाकर भी डाल देता है तो मेरा ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है ये रेडीमेड है इसको डाल देंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है एक बार डाल के ज़रूर देखिएगा और देखिए हमारा जो हलवा है बनने वाला है पाँच मिनट के लिए इसको और पका लेंगे रेगुलर चलाते हुए पकाएंगे थोड़ा सा जो ये घी छोड़ दे और थोड़ा कढ़ाई को छोड़ दे तब तक हम इसको रेगुलर चलाते रहेंगे ये देखिए हमारा जो हलवा है कितना देखने में टेस्टी लग रहा है मेरी पूरी किचन महक रही है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मेरा मन कर रहा है कि अभी खा लूँ पाँच मिनट के लिए इसको लीड लगा देंगे इस पर और इसको पकने देंगे फिर हम करेंगे इसको सर्व फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह बना के देखेगा आप हलवा आपका जो हलवा है बहुत टेस्टी बनेगा जो भी खाएगा आपसे पूछेगा कि आपने ये कैसे बनाया इतना टेस्टी हलवा बनता है कोशिश करिएगा देसी घी ही बनाए देसी घी में टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है चलिए चेक कर लेते हैं एक बार अपना हलवा कैसा बनाए ये देखिए एकदम दानेदार हलवा है बिल्कुल हलवाई जैसे बनाते हैं ना वैसा ही बिल्कुल दानेदार हलवा बनाए ये देखिए और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आप अलग हलवा बनाने के लिए सूजी लेंगे वो आप मोटी वाली लें बारीक वाली सूजी ना लें देखिए सूजी का हलवा जो है रेडी हो गया है बिल्कुल तैयार हो गया है अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको पाँच मिनट के लिए ढक करके रख देंगे फिर हम इसको करेंगे सर्व तो देख लेते हैं सर्व कर देते हैं इसको वाह देखिए माउथ वाटरिंग अपने टेस्टी टेस्टी हलवे को कर देते हैं डेकोरेट मैं इसको पिस्ता से डेकोरेट कर रही हूँ आप अपने मन के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं चाहे काजू बादाम पिस्ता किसी से भी आप डेकोरेट कर सकती हैं फटाफट से जाइए किचन में बनाइए खाइए इंजॉय कीजिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय